ठीक है। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से हुजैफा ने फ्री एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया फाइल में। इसको हुजैफा एक दफा और रन करके दिखा दें, कोड को रन करें। ठीक है, ये पेंट का मेथड क्या कर रहा है, लास्ट टाइम जो उन्होंने हुजैफा अहमद इनपुट दिया है वो प्रिंट कर रहा है और ओवरराइड भी नहीं कर रहा। प्रीवियस कंटेंट भी है और न्यू कंटेंट भी इसमें आके अपेंड कर रहा है फाइल मोड डॉट अपेंड से। अगर मैं फाइल मोड डॉट ओपन करूंगी तो फाइल को ओपन करेगा और ओपन का जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट कर्सर को कहाँ रखेगा, फाइल की वेरी फर्स्ट पोजिशन पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपेंड यूज किया। अच्छा, अब आप एक काम ये करो हुजैफा, कि जो फाइल स्ट्रीम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना इसको यहाँ से हटा दो, कमेंट कर दो इस स्टेटमेंट को, फाइल स्ट्रीम वाली को। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्ट्रीम राइटर में दे दो पाथ, fs हटा दो। मतलब अगर आप फाइल स्ट्रीम की क्लास नहीं यूज करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट स्ट्रीम रीडर या स्ट्रीम राइटर की क्लास से भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या इनपुट दोगे वो फाइल का पाथ। ठीक है, अब रन करो और यहाँ से fs.close हटा दो क्योंकि फाइल स्ट्रीम का तो हमने अब ऑब्जेक्ट बनाया है। हटाओ पूरी स्टेटमेंट हटा दो लास्ट वाली। ठीक है, अब रन करो। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब हम स्ट्रीम राइटर या स्ट्रीम रीडर का काम कर रहे होते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगी, फाइल की फर्स्ट पोजीशन पे जाके राइट करेगी। सो अगर आप आपका कोई ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपने सिर्फ एक सिंगल लाइन ही यूज करनी है और हर दफा ओवरराइट करना है तो जरूरी नहीं है कि आप फाइल स्ट्रीम की क्लास यूज करें, आप डायरेक्ट स्ट्रीम राइटर या स्ट्रीम रीडर की क्लास भी यूज कर सकते हैं। क्लोज कर दें इसमें वो जो वाला कोड, राइट डाउन कर दें वो जो 1 to 10 20 नंबर थे, लूप चला लो और लूप पे प्रिंट करवा दो। कोड पे जाओ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट यूजर से ना लो, ये स्ट्रिंग इनपुट हाँ ना लो, ये चाहो तो रहने दो। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि वो 1 से 20 तक नंबर प्रिंट हो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 या 1 से इनिशियलाइज करवा दो। ये ब्रैकेट जो है ना sw डॉट राइट लाइन के बाद लिख दो, कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं, sw डॉट राइट लाइन में आई। ये वाली स्टेटमेंट उठाओ यहाँ से, इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के लूप की बॉडी के अंदर रख दो। क्योंकि अभी हम कंसोल पर कुछ भी नहीं लिखवा रहे हैं, हम चीज चाह रहे हैं कि सिर्फ जैसे ही प्रोग्राम रन हो रन टाइम पे क्या करे, लूप चलाए और हर दफा लूपिंग वेरिएबल फाइल में रखे। फाइल जाके ओपन करो, दफा फाइल ओपन करो। ठीक है, इसने वो लेकर जो लूपिंग वेरिएबल था वो प्रिंट कहाँ कर दिया, राइट कहाँ करवा दिया, फाइल में। तो आप स्ट्रिंग और इंटीजर कुछ भी चाहें आप प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें एक और काम करते हैं और आसान तरीका, एक एरे बनाओ स्ट्रिंग की या इंटीजर की। ये सब चाहे तो कमेंट कर दो, सब कमेंट कर दो।
सब स्टार्ट से। हाँ बस पास रहना, तो उसके बाद भी सारी चीजें कमेंट कर दो। ठीक है, जल्दी से क्या डिक्लेयर करो, चाहो तो साथ में इनिशियलाइज भी करवा दो। आपका क्या हो गया? अरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवानी नहीं आती? ठीक है, int name is equal to new int। नहीं, सही सही है। हाँ, इंट्स के बाद आएगा ब्रैकेट, फर्स्ट वाले इंट के बाद आएगा ब्रैकेट। ये वाले नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, नेम इज इक्वल टू न्यू इंट और फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें 5 दे दो वैल्यू। अरे अच्छा, इसको क्लोज करने से पहले यही इनिशियलाइज भी करवा दो ना, क्लोज नहीं करो, सेमी कॉलन हटाओ, कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर वैल्यू दे दो, कोई भी 5 इंटीजर वैल्यू दे दो। ठीक, आगे सेमी कॉलन। ठीक है, एंटर करो। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, फाइल डॉट राइट ऑल लाइंस। ठीक है, ब्रैकेट पाथ के ऊपर पाथ दिया था, कॉमा, यहाँ पे इस नेम की आपने एरे बनाई है, नेम पास कर दो, HAME। नहीं, सिर्फ नेम, बस कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं, बस सिर्फ नेम। हाँ, और सेमी कॉलन। क्यों दे रहा है? वो स्ट्रिंग में और ये इंटीजर में, इस वजह से तो नहीं दे रहा? जाके देखो, माउस ओवर करो, यही एरर है। नेम के ऊपर माउस रखो, बस क्या देखा, इनटू स्ट्रिंग का एरर दे रहा है। अब इसको ऐसा करो, स्ट्रिंग कर दो, आगे टाइप कास्टिंग कर दो। और आगे डबल कोट में वैल्यू दे दो। डबल कोट में आएगा, तो दूसरी स्ट्रिंग। ठीक है, अब रन कर, क्या रहे हैं? फाइल पे जाके चेक करो। क्लोज करो फाइल को, क्लोज करके दोबारा ओपन करो। ये एरर क्या दे रहा है यहाँ पे? और स्ट्रिंग दो, 5 है ना, तो 5 स्ट्रिंग दो।
कॉमर्स सेपरेटेड। ठीक है, फिर इस तरीके से आप पूरा का पूरा एरे भी यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। वहाँ पे इंटीजर वाला भी हो जाएगा, आप उसको पार्स करवा देना स्ट्रिंग में। इंटीजर वाला जो किया था वो करके देखें, स्ट्रिंग में पार्स करवा के। हाँ, इसको एंटी रहने दें, एंट करें इसको। जैफा एरेज में प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, यहाँ स्टार्ट में भी एंट करें। ठीक है, ऊपर यहाँ पे डबल कोट हटा के इंटीजर वैल्यू दें, 1 2 3 4 5 कर दें, या 10 20 30 40 कुछ भी कर दें, कोई भी 5 इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है ना, नेम नेम से पहले आप लगा दें इसको ब्रैकेट में स्ट्रिंग, राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग। एंड नहीं, स्ट्रिंग हो गया। आप ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा एक दफा, और स्ट्रिंग से लेकर नेम तक दोबारा एक ब्रैकेट और आएगा। देखें, इसको कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग करें, फिर हो रहा है। देखें, क्यों आया दे रहा है, मैंने तो ये करवाया है, कल हुआ है ये। कन्वर्टर टू स्ट्रिंग के बाद नेम को ब्रैकेट में दें। हाँ, उसके ऊपर दोबारा स्ट्रिंग। हाँ, इंटीजर स्ट्रिंग। अच्छा, यही चीज अगर हम रीड करवानी हो, नहीं हो रहा फ्रेंड से, एक और स्ट्रिंग बनाएं। इसमें यहां से हटा दें, दोनों स्टेटमेंट हटा दें इसको, स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग एक और एरे बनाए। कोई भी नाम देने, इज इक्वल टू फाइल। हाँ, न्यू नहीं, इज इक्वल टू फाइल डॉट रीच ऑल लाइंस ब्रैकेट, यहाँ वो पाथ दे दें, PATH पाथ।
एंटर, फिर नीचे फॉर इंट लूप लगा दें। अब ये क्या करें, हम फाइल से रीड करवा रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन आई इज लेस देन नेम डॉट लेंथ सेमीकॉलन आई प्लस प्लस। सेमीकॉलन नहीं आएगा फॉर के बाद, ठीक है। अब बॉडी ऑफ लूप के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन नेम ऑफ आई ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर नेम ऑफ आई नेम और नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई ठीक है। अब रन करो, वो जो फाइल में पूरा डाटा था वो रीड हो गया और रीड होके यहाँ पे कंसोल पे आपके पास शो हो गया। तो इस तरीके से आप रीड भी करवा सकते हैं। रीड भी हमने देख लिया, राइट भी देख लिया। अच्छा अब हम देखते हैं कि अभी तो हमने एरे के थ्रू रीड देखा है, हम फर्दर एक और कोड में आपको दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर ऑफ करो जरा, ठीक है। मैंने एक वर्ड की फाइल भी हो रही है क्लास। ओके यहाँ पे कुछ कोड है, राइटिंग का कोड हम देख चुके हैं। अगर आप चाहें कि कोड पे लिखने से पहले, जैसे हम कह रहे हैं ना बार बार जाके फाइल पे राइट करवाने के बाद देख रहे हैं, हम ये भी देखना चाह रहे हैं अपने कोड से कि वो फाइल पे राइट हुआ भी है या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल डॉट एग्जिस्ट का एक मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेट से आपने पाथ दिया फाइल का और आपने चेक कर दिया इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, और इसके आर्ग्यूमेंट में आपने ये पाथ दे दिया। सो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है सो कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो फाइल एग्जिस्ट, और उसके बाद ये सारा काम हो जो हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये सारा काम फाइल डॉट एग्जिस्ट मेथड के अंदर भी कर सकते हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये सारा काम हो, नहीं तो एल्स पे जाके क्या हो जाए प्रिंट एल्स फाइल नॉट फाउंड। सिमिलरली अगर मुझे फाइल से रीड करना है कुछ, तो रीड करने का कोड मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। void data मेथड हमने बनाया, मेथड के अंदर हमने पाथ दिया है, ठीक है। पाथ पूरी फाइल का पाथ दे दिया हमने यहाँ पे if file dot exist path, मतलब मैंने if की कंडीशन में चेक करके ये मेथड क्या रिटर्न करेगा बुलियन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो if की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो else पे जाके प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड। तो अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे फाइल एग्जिस्ट, अब यहाँ पे हम फाइल पे राइट रीड करवाने फाइल से डाटा। कैसे रीड करवाएंगे, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल स्ट्रीम एफ एस इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, पाथ दे दिया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जहाँ फाइल का जहाँ फाइल स्टोर है, फाइल मोड डॉट अपेंड, मैं क्या कह रही हूँ फाइल मोड को अपेंड करो, एंड फाइल एक्सेस डॉट रीड, फाइल का एक्सेस क्या दिया है मैंने इसको रीड की, मुझे फाइल से रीड करना है। स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, अब यहाँ पे कौन सी क्लास यूज होगी स्ट्रीम रीडर की, क्योंकि मुझे फाइल से रीड करना है, तो रीड करने के लिए मैं रीडर की क्लास यूज करूंगी ताकि रीडर के सारे बिल्ट इन फंक्शन एक्सेसिबल हो। तो वहां पे हमने स्ट्रीम राइटर यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्ट्रीम रीडर एस आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे हमने पूरा पाथ दे दिया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाया कंटेंट्स ऑफ फाइल, और एस आर के ऑब्जेक्ट से मैंने एक मेथड यहाँ पे कॉल किया ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि ठीक है एस आर के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने क्या कहा एस आर यानी कि जो स्ट्रीम रीडर है डॉट बेस स्ट्रीम डॉट सीक, अब फाइल को क्या करो सीक करना स्टार्ट करो कि कहाँ से हमने फाइल में से रीड करना है। सीक जीरो पोजीशन मैंने दे दी जीरो एंड सीक ओरिजिन डॉट
बिगिन, यानी कि फाइल को स्टार्ट से रीड करो, और कहाँ से रीड करो, जीरो पोजीशन से। तो ये जो फाइल के फर्स्ट इंडेक्स में जो डाटा होगा वहीं से रीड करना स्टार्ट करेगा। और मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग str, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले ली अपने सी शार्प के कोड में, और उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, sr.readline, यानी कि अब जो sr की मैंने यहाँ पे पोजीशन बता दी कि फाइल के जीरो पोजीशन से रीड करना स्टार्ट करो, और यहाँ पे मैंने कहा sr.readline, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, जो मैंने यहाँ पे सेटिंग रखी है sr.readline, और उसको कहाँ स्टोर कर देगा, str में। वो भी ऐसे करेंगे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू sr.readline व्हाइल str इज नॉट इज इक्वल टू नल, जब तक str जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक क्या करो कंसोल डॉट राइट लाइन पे str प्रिंट करते रहो, और फिर क्या करो str इज इक्वल टू फिर से रीड करो जब तक str नल नहीं हो जाता, एंड एंड में कंसोल डॉट रीड लाइन sr डॉट क्लोज, और एल्स फाइल नॉट फाउंड। अब एक काम करते हैं, जैफा अपनी स्क्रीन दोबारा ऑन करो, स्क्रीन दोबारा शेयर करो। जी उजैफा, आप करो अपनी स्क्रीन शेयर। उजैफा ऑनलाइन नहीं है, नहीं शेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पे। देखो मैंने शेयरिंग स्टॉप की हुई है, रेज्यूम की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करो कि वही जो फाइल है आईओ की फाइल, उसमें क्या डाटा है, स्ट्रिंग है ना, उसको इंटीजर कर दो। अभी हमने इंटीजर भी मैंने आपको राइट करना बताया तो था, क्लास किसके लिए आई थी, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टोर तो किया था हमने फाइल पे। फाइल ओपन करो जाफर जाके। ठीक है, इसके कंटेंट को यहाँ पे ओवरराइट कर दो, 1 2 3 ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू दे दो। ठीक है, एंटर ABC, एंटर 10। ठीक है, सेव करो, कंट्रोल एस कर दो। ठीक है, क्लोज करो यहाँ से। अब जो कोड मैंने बताया था ना, वो कोड यहाँ पे राइट डाउन करो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसको लिखना स्टार्ट करो, स्ट्रीम ये सब हटा दो, पाथ तो ऊपर गिवन है ना, वो जो ऊपर वाला कोड है ना उसको अनकमेंट कर दो, फाइल स्ट्रीम वाला। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ स्ट्रीम रीडर, SR,
इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर। ठीक है, और इसमें आप पास कर दो एफ एस सेमीकोलन। ठीक है, एंटर। हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे फाइल एक्सेस डॉट रीड भी होगा, फाइल स्ट्रीम के उसमें फाइल एक्सेस डॉट रीड। फाइल एक्सेस डॉट राइट हटा के फाइल एक्सेस डॉट रीड करना है। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे करने कंसोल डॉट राइट लाइन इन्वर्टेड कॉमास में कंटेंट्स ऑफ फाइल आर ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे आओ, एस आर डॉट बेस स्ट्रीम डॉट सीक ठीक है, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स उनके अंदर देखो जीरो कॉमा सीक ओरिजिन डॉट बिगिन। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, एंटर। स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन वाइल वाइल की लूप लगा ब्रैकेट्स वाइल एस टी आर इज नॉट इज इक्वल टू नल, मतलब जब तक फाइल में कंटेंट्स हैं स्ट्रिंग जो है वो नल नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे करो कंसोल डॉट राइट लाइन एस टी आर यहाँ पे लूप के बाहर क्लोज भी होगी फाइल पे स्क्रीन राइटर को प्लस। एस डब्ल्यू डॉट ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एस आर डॉट क्लोज। मोड हटाओ, फाइल मोड डॉट अपेंड हटा दो, ऊपर से फाइल मोड डॉट ओपन कर दो ऊपर। ये वही हमने कॉपी पेस्ट किया ना, उसी वजह से हो रहा है। फाइल स्ट्रीम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया है वहां पे सेटिंग में जाके नीचे नीचे वाली लाइन में फाइल मोड डॉट ओपन। ठीक है, आप रन करो।
ठीक है, ये सारे कंटेंट जो फाइल में स्टोर थे वो सारे कंटेंट यहाँ पे आपके पास शो हो गए। जो स्ट्रिंग फॉर्म में था वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया, जो इंटीजर फॉर्म में था वो इंटीजर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हमें काम करते हैं, हम सर्चिंग वाला भी देख लेते हैं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड या कोई स्पेसिफिक चीज मुझे फाइल में से सर्च करनी है। ठीक है, उसके लिए हम कोड देख लेते हैं। वर्ड की फाइल शेयर हो रही है क्लास? ठीक है, सारी चीजें सेटिंग हो ही रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सर्चिंग वाला कोड भी करके देख लेते हैं कि मुझे फाइल में से कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना है। तो कोड सारा स्टार्ट का वही रहेगा, बस हम एक और स्ट्रिंग ले लेंगे इनपुट का, यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर टेक्स्ट विच यू वांट टू सर्च ऑन फाइल, कोई भी एक टेक्स्ट एंटर करो और उस टेक्स्ट को हम कहाँ ले लेंगे, इनपुट में। वाइल रिकॉर्ड इज नॉट इज इक्वल टू नल, तो हम क्या करें, इफ रिकॉर्ड यानी कि जो हमने SR वाला जो हमारा कंटेंट है, इफ SR डॉट कंटेंट्स जो हमने इनपुट दिया है, कंसोल डॉट राइट लाइन वर्ड एग्जिस्ट एंड रिकॉर्ड इज इक्वल टू, ठीक है, इसी कोड में थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं। अच्छा, बस ये सर्चिंग वाला देख लें, फिर उसके बाद क्लास ही एंड कर देते हैं, हमारे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो गए, काफी डिटेल में हमने देख लिया है। ठीक है, मेरे पास कोड है,